हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास फाइव में फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को साइंस में के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, जिसका सेकेंड पार्ट जो है ये है। तो उसमें मैंने बताया था सीट कोट क्या होता है, वन सीट लिप्स क्या होता है, टू सीट लिप्स क्या होता है। तो कोई भी जो सीट होता है वो वन या टू सीट लिप्स होता है। तो जैसे कि आप लोगों को ये भी बताया कि जो बीन होता है वो टू सीट लिप्स था, पी मटर हो गया, फिर ग्राम्स, ये सब टू सीट लिप्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक, यानी कि बीजों का अंकुरण शोधन। तो देखो सबसे पहला है यहाँ पे सीड जर्मिनेशन, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि बीजों का शोधन जो है, जो अंकुर में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। यानी कि सीडिंग इनटू ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसा कि आप लोग देखो, अब सबसे पहला कंडीशन ये बनता है कि सर क्या सभी जितना भी सीड होता है वो सब जर्मिनेट करे, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले कुछ ग्राम सीड्स ले लो और चार प्लेट ले लो। इस ये एक्टिविटी में आप लोगों के तो चार प्लेट लिए, और उसमें हम बारी बारी से कुछ वाटर, किसी में वाटर रख देते हैं, और जिसमें वाटर रखें उसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, उसको हम डार्क में रख देते हैं, और फिर कुछ में वाटर रख करके उसको वहाँ पर में सेकेंड वाले को रखते हैं जहाँ पर में थोड़ा सनलाइट मिलता हो बट वाटर नहीं मिलता, उसको कवर कर देंगे। और एक ऐसा प्लेट लेंगे जिसमें उसको एयर के रिप्रेजेंट में नहीं रखेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ एयर नहीं होना चाहिए। और फोर्थ जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एयर में भी मिलना चाहिए उसको, सनलाइट भी मिलना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, और उस प्लेट को हम लोग उधर रखेंगे। तो आप क्या देखोगे कि दो तीन दिन के अंदर में कि जो इस प्लेट फोर जिसको मैंने एयर के रिप्रेजेंट में रखा था और जो सनलाइट वो ले रहा था और फिर वाटर था, वो वाला जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो कंडीशन है वो एयर है, वाटर है और सनलाइट है। ये तीन चीज़ अगर किसी भी सीड को अगर मिले तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है कि एयर, मॉइस्चर एंड वार्म आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये तीन कंडीशन जो है किसी भी बीज को जर्मिनेट होने के लिए जरूरी होता है, ठीक। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हो गया, और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो मेरा अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि प्रसार, बीजों का प्रसार। यानी कि आप जानते हो कि प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन पैलेस एंड दे डू नॉट मूव वन पैलेस टू अनदर। आप जानते हो कि पेड़ जो होता है एक ही जगह फिक्स होता है और वो वन पैलेस से दूसरे पैलेस पर नहीं जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ कि चलो मेरा ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक। और अभी तो लीची का मौसम भी चल रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लीची का पेड़ है, ठीक। ये लीची का प्लांट ट्रीज है, लीची ट्रीज है। तो इसमें क्या है कि कुछ लीची जो है अभी खड़ा हुआ है, ठीक। तो अब आप क्या देखते हो, क्या जो लीची का जो सीड होता है हम लोग खा के वहाँ जो फेंक देते हैं, क्या वहाँ पर में सभी जो सीड होता है वो जन्म जाता है और वो सभी ट्री बन जाता है वहाँ पर, नहीं बनता है। द एजेंट्स कैरी द सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। यानी कि वो एजेंट जो क्या करता है, किसी भी सीड को उसके पेरेंट्स प्लांट, जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं इस लीची प्लांट का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इसके सीड हो गए, जो फ्रूट है इसका, वो उसका पेरेंट्स प्लांट ये लीची ट्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं जो भी सीड मान लो यहाँ रह जाता है या फिर जो भी फ्रूट है वो इससे जो दूर जा कर के जो प्लांट बनता है, इस पेरेंट्स प्लांट से जो दूर जा कर के जो भी सीड जो है नया प्लांट बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग जो है
डिस्पर्जल बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं बीजों का। ठीक, तो इसलिए ये क्या होता है कि यहाँ पर में नहीं हो पाता है, मतलब इसमें से जो भी बीज सीड निकलता है वो यहाँ पर में न्यू प्लांट बनाने में सक्षम नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पर ये क्या होता है कि इसको सनलाइट नहीं मिलता है, सही से वाटर नहीं मिल पाता है, और सभी बीज एक ही साथ रहते हैं, इसी कारण ये संभव नहीं हो पाता है और वो एक बड़े प्लांट में नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो देखो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल इज कैरीज आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। अब देखो तो ये होता कैसे है, तो यहाँ से हम लोग इसके बीज को जर्मिनेट, डिस्पर्सल कैसे होता है और डिस्पर्सल होने के बाद ये जर्मिनेट कैसे होगा। तो निश्चित रूप से जब इसको हम लोग इसके पेरेंट्स प्लांट से जब अलग कर देते हैं, तो अलग करने में जो एजेंट्स होता है, यानी कि जो एजेंट इसमें वर्क करता है इसको अलग करने में सीड को, वह है आपका विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन ऑफ सीड। यानी कि इसको अलग करने में हवा, जानवर, पानी और फिर वो जो फ्रूट का जो अपने आप फूटना होता है, जिसको चरकना मतलब फूट करके वो फ्रूट और वो दूर चला जाता है उसका बीज। ठीक, तो आप लोग जैसे देखते होंगे कि कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसमें फाइबर टाइप का कुछ रेशा टाइप का निकला रहता है, जो कि हवा में उड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, वहाँ जाकर वो जर्मिनेट हो जाता है। उसी तरह कुछ वाटर से भी, अब वर्षा हो रहा है, जिससे वर्षा हो रहा है और इसके जो वाटर का फ्लो है, बहाव है, उसके साथ साथ क्या होता है कि वो सीड भी दूसरे पैलेस पर पहुंच जाता है और फिर वो जर्मिनेट हो जाता है। यानी कि वो किसी एजेंट के सहारे क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर चला जाता है। ठीक, और फिर तीसरा है एनिमल्स। अब जैसे कोई जानवर है, जैसे मैं पक्षी की बात करता हूँ, पक्षी क्या करता है कि उस पेड़ से फ्रूट को तोड़ करके खाते चलता है और जहाँ वो लेकर के उड़ जाता है, उड़ने के बाद वहाँ खा करके वहीं छोड़ देता है। ठीक, उसके बीज को, तो वो बीज वहाँ पर जा करके अपने आप को सर्वाइव करता है और फिर न्यू प्लांट्स बनाता है। और फोर्थ था एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। जैसे आप लोग मटर में देखते हो कि जो पी का सीड होता है, वो मान लो मटर का, ये मेरा मटर, मटर का फ्रूट इसी तरह का होता है ना, अंदर में इस तरह से कुछ सीड होते हैं। तो जब ही ये क्या होता है कि पूर्ण रूप से अच्छे तरह से पक जाता है, तो पकने के बाद क्या होता है कि ये फट जाता है और फटने के साथ ही इसका जो सीड होता है वो इससे दूर, पेरेंट्स प्लांट से दूर हो जाता है, और दूर होने के बाद ये जो सीड्स है वो अपने आप को सर्वाइव करने और न्यू प्लांट बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, तो हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ चुके हैं, रूट हुआ और सूट में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स, स्टीम, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। तो न्यू प्लांट जो है अब वो क्या है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से बनते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो किसी भी, जैसे कोई पेड़ है उसके पार्ट्स को हम लोग कट करके, बहुत सारे पार्ट को इधर किसी का लीफ का यूज करके हम लोग न्यू प्लांट बनाते हैं, किसी का स्टीम लेकर के हम लोग न्यू प्लांट बनाते हैं और किसी का बर्ड लेकर के। तो देखो यहाँ पर में क्या होता है कि ये सब पार्ट्स का यूज करके हम लोग न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे आप देखते हो घर में आस पास में कि जो रोज होता है, रोज गुलाब और फिर शुगर कैन, इसका जो स्टीम होता है उसको हम लोग कटिंग करके उसके बाद इसको क्या करते हैं, डिस्पर्सल कर देते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो ये सब को काट करके हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं और उसके बाद वहाँ से क्या होता है कि न्यू प्लांट बनता है। इसी तरह तो हम लोग देखें कि जो प्लांट्स का जो स्टीम होता है उसको कटिंग करके हम लोग न्यू प्लांट्स बनाते हैं। दूसरा हो गया जब उसके बर्ड, जैसे आप पोटैटो देखते होंगे, पोटैटो में क्या होता है, अच्छा जो बताओ आपको कि हम लोग जो पोटैटो खाते हैं आलू, वो क्या है, वो आप लोग समझ रहे होंगे कि फल, वो फल नहीं है, वो उसका स्टीम है, हम लोग स्टीम को खाते हैं।
ठीक। और उस स्टीम में क्या होता है कि आप जो आइज टाइप हम लोग बोलते हैं आंख निकल गया, आइज जो होता है वो उसका बर्ड होता है, ठीक, वो उसका बर्ड होता है, जो आइज होता है पटेटो का वो उसका क्या होता है, बर्ड होता है। तो बर्ड से भी क्या होता है कि हम लोग न्यू प्लांट्स बनाते हैं, जैसे जब क्रॉप्स होता है पोटैटो का उस समय हम लोग क्या करते हैं कि उसके बर्ड्स आइज को अलग अलग काट करके उसको न्यू प्लांट्स में बदल देते हैं और उसके बाद उसको जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद वो न्यू प्लांट्स बन जाता है। तो हम लोग देखें कि स्टीम से रोज शुगर केन हिबिस्कस ये सब जो है प्लांट बनते हैं, फिर बर्ड से भी कुछ न्यू प्लांट्स बनते हैं। अब फिर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स से हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे आसपास में तो पाया नहीं जाता है। तो द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक द प्रायोफाइलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो प्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट्स होता है जिसका लीव का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि न्यू प्लांट्स बनाते हैं, ठीक। जो न्यू प्लांट्स बनता है वो लीव का भी यूज करके बनता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका लीव का यूज करके हम लोग न्यू प्लांट्स बनाते हैं, तो वो है प्रायोफाइलम, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, फसल और वेजिटेबल्स होता है। देखो क्रॉप्स होता है क्या, प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन अ पार्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक। यानी कि क्रॉप्स का मतलब फसल होता है। तो एक वन टाइप का ही प्लांट्स, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं वेट को बोते हैं तो उसमें केवल वेट ही होता है, गेहूं वेट, तो उसमें क्या होता है कि एक ही टाइप का जो प्लांट्स होता है उसको हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक, एक साथ किसी पार्टिकुलर एरिया या रीजन में हम लोग पार्टिकुलर पीरियड में, ये नहीं कि अब उसको हम लोग गेहूं को गर्मी के टाइम में बोते हैं और धान को ठंडी के टाइम में, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए पार्टिकुलर क्या होता है, पीरियड होता है, टाइम होता है, और उसमें हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया में उस प्लांट्स को एक ग्रुप को क्या करते हैं, ग्रो राउंड करते हैं, तब जा करके वो जो, और ये जो पार्टिकुलर टाइम में हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया या ग्राउंड रीजन में किसी भी प्लांट्स सेम टाइप्स के प्लांट्स को ग्राउंड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉप्स कहलाता है, ठीक। अब देखो क्रॉप्स को भी पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो है इसको बांटा गया है, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो अब देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वैसे थ्री क्रॉप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप, थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद होता है, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपके बुक में नहीं है। तो रबी क्रॉप्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी कि वैसा क्रॉप्स, वैसा फसल जिसको हम लोग क्या करते हैं कि विंटर सीजन में ग्रोन करते हैं, विंटर सीजन में उसको बोते हैं और फिर जो समर जिस समय आता है उस समय उसको काट लेते हैं, तो वो क्रॉप्स जो है रबी क्रॉप्स कहलाता है। यानी कि इसका पीरियड ऑफ क्रॉप्स होता है, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो इसका है नवंबर से, नवंबर टू अप्रैल, यानी कि ये जो क्रॉप्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि नवंबर तक में इसे हम लोग बो देते हैं और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। अब सेकेंड है खरीफ क्रॉप, और इसमें जैसे वेट हो गया, ग्राम हो गया, तो इसको हम लोग विंटर के सीजन में बोते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, अप्रैल के, अप्रैल मंथ में, नवंबर मंथ में इसको हम लोग बोते हैं और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। दूसरा है खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, वैसा क्रॉप्स जिसको हम लोग समर सीजन में क्या करते हैं, बोते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका जो टाइम होता है, पीरियड जो होता है, इस क्रॉप्स का जो पीरियड होता है वो है जून से, जून टू अक्टूबर, ठीक। इस क्रॉप्स को हम लोग जून में बोते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। तो ये है राइस, में ज्वार एंड बाजरा, ये सब को हम लोग क्या कह सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक। अब जो है वेजिटेबल्स हैं,
तो वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पीज आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। ये सब को हम लोग क्या करते हैं, जाड़े के मौसम में इसे हम लोग अपने खेतों या फिर फील्ड में जो है बोते हैं। तो इसे हम लोग विंटर में उगाते हैं। और कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम लोग समर में बोते हैं, जैसे हो गया ब्रिंजल, पंपकिन एंड गॉट्स आर ग्रोन इन विंटर। ठीक है, अब जो है क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो, अब कुछ कंडीशंस हैं कि कोई भी जो क्रॉप्स है वो किस कंडीशन में जो है बढ़ता है और किस कंडीशन में उसको बोया जाता है। तो इसके लिए वो जो है सॉइल पर भी डिपेंड करता है कि उसे किस टाइप का सॉइल चाहिए, होना चाहिए। देखो, जैसे राइस एंड वीट है, क्लेली सॉइल यानी कि राइस और जो वीट होते हैं उनको जो वैसे क्रॉप्स को बढ़ने के लिए, उसका पैदावार अच्छा होने के लिए उसे हम लोग क्लेली सॉइल में क्या करते हैं, बोते हैं। जो कि इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो राइस का उत्पादन जो होता है, यानी कि जो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है, तो वो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल होता है वो क्लेली सॉइल होता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा मात्रा में हमें राइस प्राप्त होता है। उसी तरह वीट जो है सैंडी और इरीगेटेड सॉइल, जैसे यूपी और पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सैंडी और सैंडी सॉइल और इरीगेटेड सॉइल पाया जाता है। और ये दोनों सॉइल में जो है गेहूं का जो फसल होता है, क्रॉप्स जो होता है, वो उसकी पैदावार अच्छी होती है। ठीक, इसी तरह ज्वार एंड बाजरा सैंडी सॉइल, ज्वार और जो बाजरा है वो उसका क्रॉप्स जो है सैंडी सॉइल में उगाया जाता है, वहाँ पर भी उसका पैदावार बहुत ही अच्छा होता है। जो कि हमारे यहाँ सैंडी सॉइल राजस्थान में पाया जाता है और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। इसी तरह कॉटन है, कॉटन ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा इसका क्रॉप्स कॉटन का जो है वो ब्लैक सॉइल में होता है। और याद रखना आपको कि ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम रेगुर होता है, हम लोग रेगुर को ही ब्लैक सॉइल यानी कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नेम जो है वो है रेगुर। तो कॉटन किस सॉइल में उपजाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुर, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया और फिर वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक, इसी तरह टी प्लांट, टी पॉइंट के लिए, टी प्लांट्स के लिए मॉइस्ट सॉइल का होना जरूरी होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा नमी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आप लोग हिली एरिया, असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब जो है यहाँ पर टी जो है अच्छे से टी का पैदावार अच्छा होता है। उसी तरह कोकोनट के लिए जो कंडीशंस है वो है कोस्टल एरिया। आप जानते होंगे कि जैसे जो भी समुद्र के कात का जो समुद्र का जो किनारा होता है, कोस्ट होता है, वहाँ पर भी कोकोनट का नट का पैदावार जो होता है वो अच्छा होता है। और ये केरला और गोवा में जो है ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। अब देखो, एग्रीकल्चर यानी कि खेती, हम लोग किस तरह से अब किसी भी खेती को करेंगे, तो देखो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम लोग किसी भी जो क्रॉप्स होता है उसको लार्ज स्केल में जो हम लोग उसको उपजाते हैं वो एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक, अब एग्रीकल्चर के लिए देखो क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा, चूँकि हम लोग जो भी हमारा जो इंडिया है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर में सभी लोग जो है कृषि पर भी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ के सभी लोग निश्चित रूप से हम लोगों को खाना की, फूड की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से होगी जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा हो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अच्छे पैदावार के लिए हमें कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। जैसे आप देखते होंगे, अब कुछ जैसा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा में है, तो यहाँ पर भी यह बताया जाता है कि किस सॉइल में किस चीज़ की कमी हो गई, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सब की जो ज़रूरतें होती है वो मिट्टी जांच करके बता दिया जाता है कि आपके सॉइल में किस चीज़ की कमी हो गई है और कौन सी चीज़ हमारी मिट्टी को और चाहिए ताकि हमारा जो फसल होगा वो बेहतर होगा। ठीक, और हमें जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे गोबर हो गया, ये सब का यूज़ करके हम लोग, गोवा हो गया, इसका यूज़ करके हम उसके पुनः उसको
ठीक से ला सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज कम करना चाहिए। ठीक, अब देखो एग्रीकल्चर में कुछ जो एग्रीकल्चर कृषि जो होते हैं उसमें हमें किसी केमिकल का छिड़काव का भी होना जरूरी होता है समय समय पर, ताकि उसमें जो इंसेक्ट्स हैं उसको प्रभावित नहीं करे, जो भी कीड़ा है। ठीक, अब दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अब जो है हम अपने फसल की देखभाल किस तरह से करेंगे, स्टोरेज कैसे करेंगे सीड्स का, तो देखो सबसे पहले क्रॉप्स को अगर बचाना है तो हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में क्या देखते हैं कि सभी लोग अपने खेत जो होता है उसके बाउंड्री पर में बाउंड्री करके रखते हैं, ताकि उसमें गाय काव हो गया और गोट्स हो गया वो उसको जाकर ग्रेजिंग ना कर सके। ठीक, दूसरा है पेस्ट सच एज लोकस्ट्स एंड ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर, ये सब कुछ इंसेक्ट हैं जिनसे क्या होता है कि हमारे अपने क्रॉप्स को बचाना होता है, क्योंकि ये बहुत से संख्या में आते हैं और उस पूरे क्रॉप्स को क्या करते हैं, चट कर जाते हैं, तो इनसे भी बचाना बहुत ही नेसेसरी होता है। अब मान लो कि यहाँ दोनों चीज़ से हमारा अगर फसल बच गया है तो इसमें डिजीज भी होते हैं, जिस तरह हम लोगों को भी बुखार लगता है, बहुत सारी बीमारी होती है, उसी तरह जो क्रॉप्स होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, बीमारी होती है, जिससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका केमिकल का यूज करते हैं या फिर कुछ जो उसके डिजीज को दूर करना होता है, जिससे हमारा क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो सकेगा। और इसके सीड्स को स्टोरेज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि FCI गोदाम होता है, वहाँ पर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ पर में हम लोग क्या करते हैं कि अपने फसल का जो सीड्स होता है उसको स्टोरेज करवाते हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, और आप लोग को जो इसका क्वेश्चन आंसर और भी जो भी कुछ है उसको आप लोगों को बता दिया जाएगा ग्रुप पर में।